मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुस्लिम आरक्षण की मांग एक बार फिर उठने लगी है। शिक्षा में 5% आरक्षण उच्च न्यायालय ने दिया था, मगर इसके बाद सरकार अभी तक इसे देने में नाकाम साबित हुई है। मुस्लिम आरक्षण की मांग को लेकर मालेगांव के कांग्रेस के विधायक आसिफ रशीद शेख ने भिवंडी से आजाद मैदान तक पैदल मार्च निकाला, मगर इस मार्च को ठाणे मुंबई पुलिस ने खारेगांव टोल नाके के पास रोक दिया। आसिफ रशीद शेख और उनके साथ पैदल चल रहे करीब 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि पैदल मार्च निकालने की परमिशन नहीं दी गई थी, मुंबई के आजाद मैदान में धरने की इजाजत दी गई है, इसलिए इन्हें पैदल मार्च लेकर मुंबई में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इन्हें गिरफ्तार कर कलवा पुलिस स्टेशन 2014 में उस वक्त की हुकूमत, कांग्रेस पार्टी की अलायंस की जो हुकूमत थी, मराठा समाज और मुस्लिम समाज को 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को और मराठा समाज को 16% रिजर्वेशन देने का फैसला की थी। एक ही कैबिनेट के अंदर दोनों फैसले किए गए। हम किसी को भी आरक्षण मिले, रिजर्वेशन मिले, हम उसके मुखालिफ नहीं हैं। अगर कोई समाज उसका हकदार है तो ज़रूर उसको भी मिलना चाहिए, लेकिन ये सरकार आई 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की, और ये सरकार ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने से इनकार कर दिया और हमारे भाइयों, मराठा भाइयों को रिजर्वेशन दे दिया। हमें खुशी है कि मराठा समाज को रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन ये सरकार मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और भेदभाव कर रही है। हम लोगों ने 4.5 बरस मुसलसल असेंबली में और असेंबली के बाहर भी आवाज़ उठाई, सरकार से डिमांड किया, लेकिन सरकार ने हमारी बातों को मानने से इनकार कर दिया। और सरकार बार बार ये बात बोलती है कि मुसलमानों को मज़हब की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। सरकार असल में महाराष्ट्र की आवाम को धोखा दे रही है। जो रिजर्वेशन मुसलमानों को 5% दिया गया वो मज़हब की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर नहीं दिया गया, बल्कि वो मुस्लिम समाज में 50 ऐसी जातियां हैं जो बैकवर्ड हैं, जो बहुत गरीब हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया था जो बैकवर्ड है, उस आधार पर दिया गया था। अगर ये गलत होता तो मुंबई हाईकोर्ट ने तालीम में, एजुकेशन में मुसलमानों का रिजर्वेशन बरकरार रखा, उसके बावजूद भी ये सरकार हाईकोर्ट के फैसले की बात, फैसले को नहीं मान रही है। इसीलिए भिवंडी से मुंबई आज़ाद मैदान पैदल मार्च करने का फैसला हमने किया, और इससे पहले भी 2013 में हम लोगों ने 300 किलोमीटर का रिजर्वेशन मार्च किया था मालेगांव से मुंबई, और आज हम 50 किलोमीटर का कर रहे हैं। और सरकार से यही डिमांड है कि इंसाफ मुसलमानों के साथ होना चाहिए। इसके पहले भी मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर आसिफ रशीद शेख पैदल मार्च निकाल चुके हैं। उस वक्त भी इन्हें पैदल मार्च साइन के सुमैया ग्राउंड में रोक दिया गया था। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कई बार आसिफ रशीद मालेगांव में आंदोलन करते नजर आए हैं, मगर सरकार मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कब जागेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।